Abanindranath Tagore and E.B. Hevel. The year 1896 was important in the Indian history of visual arts. E.B. Hevel and Abanindranath Tagore saw a need to Indianize art education in the country. This began in the Government Art School, Calcutta, now Government College of Art and Craft, Kolkata. तो जो कि कॉलोनियल आर्ट स्कूल्स थे जो ब्रिटिशर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किए थे, तो जहाँ पे यूरोपियन रियलिज्म अकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग या फिर कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पढ़ाया एंड सिखाया जाता था, उसके प्रिंसिपल थे ई बी हेवेल. ओके, और 1896 में ये स्टार्ट हुआ जब ई बी हेवेल एंड अबनिंद्रनाथ टैगोर को रियलाइज़ हुआ कि अब हमारे ये जो पेंटिंग है, जो आर्ट एजुकेशन इंडिया में सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, उसको इंडियनाइज करने की ज़रूरत है, यानी उसको इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. और ये कहाँ स्टार्ट हुआ? गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा, जहाँ के प्रिंसिपल थे ई बी हेवेल. सिमिलर आर्ट स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, बॉम्बे एंड मद्रास, बट देयर प्राइमरी फोकस वॉज ऑन क्राफ्ट्स लाइक मेटल वर्क, फर्नीचर एंड क्यूरियोज. हाउएवर, द वन इन कैलकटा वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स फाइन आर्ट्स. तो गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1896 ईयर में, जहाँ पे जिसके प्रिंसिपल थे ई बी हेवेल. और याद रखिए, पहले ई बी हेवेल कहाँ के प्रिंसिपल थे? प्रिंसिपल ऑफ कैलकटा स्कूल ऑफ आर्ट. और इसके बाद ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ये वो जगह है या ये वो स्कूल है जहाँ पे इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को परस्यू करना शुरू हुआ था. यहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो है वो ओरिजिन हुआ था, गवर्नमेंट आर्ट स्कूल. तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा एंड कैलकटा आर्ट स्कूल के बीच में. ओके, सिमिलरली लाहौर, बॉम्बे और मद्रास में भी ऐसे ही स्कूल्स जो इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन वो लोग फाइन आर्ट्स पर इतना ध्यान ना दे के मेटल वर्क, फर्नीचर, मतलब बाकी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. कैलकटा में जो स्कूल था, ये फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, इनके ऊपर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. हेवेल एंड अबनिंद्रनाथ टैगोर डिजाइंड अ करिकुलम टू इंक्लूड एंड एनकरेज टेक्निक एंड थीम्स इन इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस. उन्होंने पूरा एक सिलेबस, एक करिकुलम डिज़ाइन किया कि कैसे हम इंडियन आर्ट स्कूल या फिर इंडियन स्टाइल को जो पहले होता था, उसको हम लोग कैसे अभी के टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं, और उसको मॉडर्निज्म और नेशनलिज्म दोनों स्टाइल्स को इंक्लूड करके हम एक नया इंडियन स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं. अबनिंद्रनाथ जर्नीज एंड shows the influence of Mughal and Pahari miniatures and his desire to create an Indian style in painting. तो उन्होंने एक अबनिंद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड, जो कि हमारे सिलेबस में है, स्टडी है, आर्ट स्टडी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जर्नीज एंड, तो वो एक एग्जाम्पल था. और ये एक हॉलमार्क पेंटिंग मानी जाती है, जर्नीज एंड जो है वो एक हॉलमार्क पेंटिंग मानी जाती है मॉडर्न आर्ट, इंडियन आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में. तो इफ़ द क्वेश्चन कम्स, नेम द हॉलमार्क पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, सो इट इज डेफिनेटली जर्नीज एंड बाय अबनिंद्रनाथ टैगोर. ओके, आर्ट हिस्टोरियन पार्था मित्तर राइट्स, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अबनिंद्रनाथ एंगेज्ड इन रिकवरिंग द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट. लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट का क्या मतलब है? तो पार्था मित्तर एक आर्ट हिस्टोरियन है, वो यही कहते हैं कि अबनिंद्रनाथ टैगोर जो है उनके फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कि ये गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कैलकटा में पढ़ने आए, इन्होंने वापस से वही हमारी इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो कहीं ना कहीं खो गई थी, जो कि लॉस्ट हो गई थी, और जिसके ऊपर हम यूरोपियन रियलिज्म को या अकेडमिक स्टाइल या कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग को परस्यू कर रहे थे, उसको रिकवर करने के लिए, वापस से उसको रिफ्रेश करने के ऊपर अबनिंद्रनाथ टैगोर ने उसके ऊपर काम किया था. टू क्रिएट अवेयरनेस दैट मॉडर्न इंडियंस कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस रिच पास्ट, अबनिंद्रनाथ वॉज द मेन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट जर्नल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नल था जिसमें कि ऐसे जो भी पेंटिंग्स, जैसे अबनिंद्रनाथ टैगोर या फिर उनके स्टूडेंट्स जो पेंटिंग्स बनाते थे, उनके ऊपर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो वो उस जर्नल में आती थी. और उस जर्नल का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट. इन दिस मैनर ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मेजर सपोर्टर ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट. देखिए, जब हम बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ ब्रिटिशर्स देश छोड़ के जाए, वही हमारे लिए फ्रीडम या स्वराज हो गया. ठीक है, इंडियन आर्ट में जो कि जिसमें जहाँ पर यूरोपियन रियलिज्म का या कंपनी स्टाइल या अकेडमिक स्टाइल का कब्जा था, उससे फ्रीडम मिलना भी स्वदेशी मूवमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था.
ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने हमारे हमारी यू नो लैंड टेरिटरी के ऊपर ही कब्जा नहीं किया था, हमारे कल्चर के ऊपर भी उन्होंने कब्जा करा था। तो ये जो स्टेप था जिसमें उन्होंने ये एक स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये बहुत बड़ा स्टेप था जिसने हमारे स्वदेशी वैल्यूज को पुश करा, यू नो वो कॉमन लोगों तक स्प्रेड करा। द फर्स्ट मेजर सपोर्टर ऑफ स्वदेशी वैल्यूज इन इंडियन आर्ट विच बेस्ट मैनिफेस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। दिस स्कूल सेट द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। द न्यू डायरेक्शन ओपन्ड बाय अवनींद्रनाथ वॉज फॉलोड बाई मेनी यंग आर्टिस्ट लाइक जितेंद्रनाथ मजूमदार, रासलीला एंड एम आर चुगताई। एम आर चुगताई जी की ये राधिका जो है वो भी हम हमारे सिलेबस में कोर्स स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी उनके देखते देखते ऐसे बहुत सारे और आर्टिस्ट थे, नंदलाल बोस, एम आर चुगताई, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, ऐसे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनको देखकर फिर ऐसी इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के ऊपर अपना आर्टवर्क बेस करा, आर्टवर्क बनाई, जो कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था।